हमारी बसोली जो है सबसे प्राचीन तहसील है, यहीं से बनी की तहसील निकली है, बिलावर की तहसील निकली है और वो रामकोट की तहसील बनी है। तो बसोली के साथ हमेशा अन्याय हुआ है, बसोली को हमेशा अनदेखा किया गया है। जो लोग जहाँ पे राज किया है आज तक, वो यहाँ के ना तो वोटर थे और ना यहाँ का उनका राशन कार्ड था, ना यहाँ से उनका कोई लेना देना था, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को गुमराह करके यहाँ पे जात पात के नाम पर, शहर गांव के नाम पर करके वो वोटिंग कर लोगों से वोट लेते रहे और यहाँ पे कोई भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। उल्टा जो थोड़े बहुत विकास के कार्य हुए भी हैं उनको भी उन्होंने रुकवाने की भरपूर प्रयास किया। जिस तरह से आपने कहा कि बाहरी लोग थे, तो क्या इस बार का जो चुनाव है बाहरी वर्सेस स्थानीय के उस पर लड़ा जा रहा है, या कई और मुद्दे हैं जिन पर इस बार भाजपा जो है पर्टिकुलरली बसोली सीट पर चुनाव लड़ रही है? हर चीज का एक समय होता है, लोगों ने उनको बहुत समय दिया, उनको एमएलए बनाया 3-3 बार, हेल्थ मिनिस्टर बनाया, फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया। अब लोगों ने उनकी उपेक्षाओं पे कहीं वो खरे नहीं उतर पाए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें उन्होंने करी हैं, तो विकास का कोई भी काम नहीं किया है। तो अब हमारे सारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं पूरा मन बना चुके हैं कि अब की बार भाजपा सरकार और अपने छोटे भाई, अपने बेटे दर्शन पे वो पूरा आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। पल्लेदारों को लेकर भी एक टिप्पणी जो है वो सामने आई थी, किस तरह से देखते हैं ये पल्लेदारों को लेकर टिप्पणी करना, कहाँ तक सही है और लोगों में क्या रुझान है इस बारे में? जो उन्होंने पल्लेदार वाली बात करी कही है, उसमें वो बात कह के खुद फंस गए हैं। क्या होता है, हर किसी का अलग अलग काम करने का काम हो सकता है। आप जैसे मीडिया का काम कर रहे हैं, कोई चाय का काम करता है, कोई होटल का काम करता है, तो हर किसी का अलग अलग, कोई पल्लेदारी करता है, कोई लेबर का काम करता है, तो ठीक है, अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जो बोला उन्होंने कि हमारा कैसे समय आ गया, एक्चुअली क्या होता है कि उनको अहम अहम तो रावण का भी नहीं चला तो इनका कहाँ चलेगा। जब इंसान के अंदर अहम आता है, इन्होंने कहा जी हम आज देखो हमारे कैसे दिन आए हैं, हमें पल्लेदारों के साथ इलेक्शन लड़नी पड़ रही है। तो उसका हमारे लोगों ने ऐसा जवाब दिया है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग 90% लोग बाहर काम करते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाओ, हैदराबाद, बेंगलोर, इंदौर, दिल्ली, जोधपुर, कानपुर, आपने सिर्फ नाम लेना है, कोयम्बटूर, चेन्नई, हर जगह जब हमारे बसोली विधानसभा के लोग वहाँ पे लेबर का काम करते हैं। तो उन्होंने वहाँ से ऐसा जवाब दिया है उनको कि पूरे लोग एक तरफ उनके खिलाफ हो गए हैं। और लोगों को ये भी कहना है कि जब हमसे इन्होंने लोगों ने वोट लेने थे, जब हमें कहते थे हमारे चौधरी भाई हैं, और आप जब देने की बारी आई तो हमें कह रहे पल्लेदार हैं, तो बड़ा आक्रोश है लोगों में। इसका जवाब आपको 1 तारीख को देखने को मिलेगा, भारी संख्या में लोग इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे इस बार। हिमाचल और पंजाब से सटा हुआ जो है बसोली का इलाका है, जी, आप खुद बता रहे हैं कि लोग यहाँ से बाहर लेबर का काम करने के लिए अब तक जाते रहे हैं, जी। तो क्या रोजगार के जो सृजन है ये करना भी एक अहम मुद्दा इस चुनाव में है? ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी बसोली का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आज तक यहाँ का जो नेतृत्व करा बाहर के लोगों ने ही करा। हमारे जगदीश राज पोलिया जी थे हमारे बसोली के, उनको बहुत कम समय मिला, लेकिन जितना समय मिला उन्होंने भरपूर प्रयास किया है, हर इलाके का काम किया है, और काफ़ी सारे लोग उन्होंने डेली वेजर बेस पे कहीं ना कहीं नौकरियां भी लगवाई हैं। तो बाहर के लोगों ने, इन्होंने तो सिर्फ, जहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ राजनीति करी है, लेकिन हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि बसोली को जिला भी बनाएं, यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा भी दें, कोई ना कोई इंडस्ट्रीज या कुछ ना कुछ ऐसा काम जहाँ चले कि हमारे युवाओं को रोज़गार उसके माध्यम से मिले। और सबसे ज़्यादा हमारे पास पर्यटन को ही बढ़ावा देना है, हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा गया है, लिखा है मोदी साहब ने, उसमें गारंटी दी है कि रणजीत सागर डैम को स्पेशल अथॉरिटी टूरिज्म की बनाएंगे। और उसके बाद में आज हमने गडकरी साहब भी आए थे, इनसे भी हमने आग्रह किया है कि जो हमारे काफ़ी एरिया में रोड रह गए बनने के लिए, घोडल का एरिया हो, जोड़े माता का एरिया हो, हमारा मानू से अटली का रोड हो, हमारा अठियालता का रोड हो, सारी बातें आज गडकरी साहब के पास भी कहीं रखी हैं हमने। और उनसे हमने ये भी निवेदन किया है कि रणजीत सागर डैम पे कोई ना कोई क्रूज का भी प्रोजेक्ट हमें मिले। तो उन्होंने कहा कि आप 8 के बाद आइए मेरे पास, मैं आपको रोड, आश्वासन दिया उन्होंने कि मैं आपको रोडों की समस्या है उसमें भी आपकी पूरी मदद करूंगा और क्रूज का प्रोजेक्ट भी आपको दूंगा। तो हम भरपूर प्रयास करेंगे कि जिसके हमें, हमारे क्षेत्र को, हमारे लोगों को रोजगार मिले, ऐसा हमारे पूरी प्रयास रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान।
पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट, तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191-255-4360-255-4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।